स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1। हम पहले कर चुके हैं, तो जनरल टर्म एक आता है, जनरल टर्म। तो यहाँ पर अब देखो, अब मैं आपसे एक सीधी सीधी बात पूछता हूँ भाई। अगर आपको ये बोला जाए कि भाई ए प्लस बी की पावर 50 है, और मैं आपसे पूछूं भाई ऐसा करो 25th टर्म क्या होगी, 25th टर्म कौन सी होगी ये फाइंड आउट करके दिखाइए, तो आप ये थोड़ी कि पहले पूरा 50 एक्सपेंड करोगे फिर उसमें गिनोगे 25th टर्म ये आएगी, तो आप मुझे बताओगे सर 25th टर्म तो ये आएगी। या मैं आपसे पूछूं भाई एक एक की पावर 25 हो उसका कोफिशियंट बताओ, या मैं ऐसे पूछूं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब हम ऐसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं जिसमें हम डायरेक्ट हमें टर्म चाहिए, हमें पूरा एक्सपेंशन से कोई मतलब नहीं है कि पूरा एक्सपेंशन कितना बन रहा है, हमें सिर्फ डायरेक्ट टर्म चाहिए, ठीक है ना, हमें सिर्फ डायरेक्ट टर्म चाहिए। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम एक जनरल टर्म होता है हमारा टी आर प्लस वन, ठीक है, फॉर्मूला होता है एन सी आर ए एन माइनस आर और बी आर, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है हमारा जैसे जनरल टर्म का, टी आर प्लस वन एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर, इसको आप याद करोगे, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म। यानी कोई भी आपको टर्म निकालनी है तो इस फॉर्मूले से हमें चलना है। तो देखो पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए चलते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ठीक है। तो उसने क्या पूछा फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई फाइंड, एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स की पावर 5 का जो कोफिशियंट है, कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर 5 इन एक्स प्लस 3 की पावर 8, एक्स प्लस 3 की पावर 8, ये पावर कितनी है 8 है आपके पास, ठीक है। अब इस एक्स प्लस 3 की पावर 8 में जो एक्स की पावर 5 का कोफिशियंट क्या होगा, तो ध्यान ध्यान दो एक्स कहां पर है, सबसे पहले ये ध्यान दिया करो एक्स कहां पर है, वो ए की जगह पर है कि बी की जगह पर है, तो ये तो पता लग गया वो ए की जगह पर है। तो ए की जगह पर 5 कब आएगा, जब 8 में से 3 माइनस होंगे, जब 8 में से 3 माइनस होंगे, ठीक है ना। यानी कि हमारी आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आर की वैल्यू हमारी होनी चाहिए 3, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, ठीक है, क्लियर है यहां से। तो हम क्या करेंगे, अपना आर की वैल्यू हमें पता लग गई, तो यानी कि हम टी थ्री प्लस वन यानी कि फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 8C3 एक्स की पावर 8 माइनस 3 और 3 की पावर 3, तो यहां पर हमारा जो T4 यानी कि इसको कहेंगे हम फोर्थ टर्म, लेकिन R की वैल्यू क्या है उसमें 3 है, इसका भी मैं रीजन बताऊंगा क्यों ये R की वैल्यू 3 होने पर फोर्थ टर्म क्यों निकलती है, वो भी बताता हूं अभी। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8C3 3 की पावर 3 और x की पावर 5, तो यहां पर 8C3 सॉरी 8C3 को सॉल्व करो, 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 3 यानी 27। तो यहां पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 7 6, 5 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल को कट करेंगे तो यहाँ पर हमारा 6 कट जाएगा, इससे पूरे 6 से हमें 56 को मल्टीप्लाई करना है बेसिकली 27 से, बिल्कुल 1512 आपका आंसर आया होगा, तो ये हमारा एक्चुअल में आंसर आ जाएगा 1512। तो देखो मैं अब ये समझाना आपको रह गया कि जो आर की वैल्यू है यहाँ पे 3 है और टर्म हम कौन सी बोल रहे हैं फोर्थ। तो बेटा मैंने हमेशा आपको जब भी ए प्लस बी की पावर एन आपको ओपन करना सिखाया है तो मैंने हमेशा आपसे स्टार्ट कहां से करा है, एन सी जीरो से, यानी कि जीरो वाली टर्म आपकी फर्स्ट टर्म बनती है, तो इसलिए जो आर की वैल्यू 3 होगी वो कौन सी बनेगी आपकी फोर्थ टर्म बनेगी। काउंटिंग यहाँ से 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए जो टर्म होगी वो आपकी हमेशा एक एक्स्ट्रा आएगी, ठीक है। जैसे आर की वैल्यू 3 रख रहे हो तो टर्म 4 होगी, आर की वैल्यू 5 रखोगे तो टर्म 6 होगी, यानी कि फोर्थ टर्म में इसकी वैल्यू आई है, ठीक है। अगर आपसे बोले फोर्थ टर्म निकालो, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ एक्स प्लस 3 की पावर 8 का, तो फोर्थ टर्म बोला है तो टर्म में आर की वैल्यू 1 कम कर लेना फिर, यानी कि आर की वैल्यू वहां पे 3 रखना है, ठीक है ना, इतना इसलिए बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फोर्थ टर्म निकालो इसमें, तो आप क्या करोगे आर की वैल्यू 3 रखोगे, तो 1 कम रखनी है आर की वैल्यू, और क्यों रखनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम एक्सपेंड करते हैं तो एनसी 0 से स्टार्ट करते हैं, तो जब जीरो इंक्लूड हो रहा है तो इसका मतलब एक
एक्स्ट्रा हमारी काउंट हो चुकी है जीरो वाली टर्म, तो इसलिए अगर फोर्थ बोले तो थर्ड लेके चलो आर की वैल्यू, ठीक है ना, तो ये रीजन बनता है इसका। क्वेश्चन नंबर टू देखो, क्वेश्चन नंबर टू में पूछा है कि भाई ए की पावर 5 और बी की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है इन ए माइनस 2 बी की पावर 12। तो बेटा इसमें ध्यान रखा करो, अगर कभी ए और बी आ रहा हो साथ में तो बी की पावर अगर 7 दिया तो वहां से आर की वैल्यू मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, देखो फॉर्मूला देखो, जो बी की पावर होती है वही आपके यहाँ पर आर की वैल्यू होती है। तो इसलिए अगर आपसे पूछा गया है कि ए की पावर 5 और बी की पावर 7, तो आर की वैल्यू समझ जाओ वहां से आपको कितनी निकालनी है, 7 दे दी है, तो ये आपकी आर की वैल्यू होती है। या फिर यहां से देख लिया करो, एन माइनस आर ये 5 के बराबर होता है, तो 12 में से 12 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहां देख लिया करो, ठीक है, तब भी आर की वैल्यू 7 आएगी, ठीक है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी आर की वैल्यू 7 आएगी, तो 8th टर्म हो जाएगी आपकी, यानी कि 7 + 1 लिखोगे इसको, 12C7 ए की पावर 5 - 2B की पावर 7, ठीक है। तो हमें सिर्फ A5B7 का कोफिशियंट निकालना है, यानी कि कोफिशियंट क्या आएगा, 12C7 - 2 की पावर 7 A5B7, तो कोफिशियंट क्या हो जाएगा, 12C7 - 2 की पावर 7। तो देयरफॉर कोफिशियंट कितना हो जाएगा हमारा, 12C7 - 2 की पावर 7। इसको सॉल्व कर सकते हो आप या इसको ऐसे देख सकते हो, तो इसको सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे आपका आंसर जो लास्ट में फाइनल आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आएगा -101। इसका जो आंसर आएगा, कोफिशियंट जो आएगा, कोफिशियंट जो आपका आने वाला है इसमें आप सॉल्व करना इसको, तो -101376 आपका इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको मैच कर लेना। क्लियर है भाई, पर एक बेसिक क्वेश्चन और बना लेते हैं, बुक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, तो डिफरेंट फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन में ले रहा हूँ इस समय। सो क्वेश्चन है जैसे, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x^7 एंड y² इन x+2y^9, ठीक है। ये एक आपको मैंने उसी अभी जैसे क्वेश्चन करा था उसी टाइप पर बिल्कुल सेम टू सेम एक नया क्वेश्चन बना के देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या फर्क है और कैसे एकदम हमारा एकदम पक्का हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था भाई, ये ए हो गया आपका जनरल टर्म, क्या होता है ध्यान दो, जनरल टर्म होता है हमारा Tr+1 NcR An-RBr, ये हमारा जनरल टर्म है। तो मैंने आपको बताया जो आपका बी की पावर होती है वो आपका आर होता है। यहाँ पर बी क्या है आपका, देखो ये ए है ये बी है और उसकी पावर कितनी पूछी है, 2। तो यानी कि आर की वैल्यू आपको ध्यान में आ जानी चाहिए कि हमें आर की वैल्यू कितनी लेके चलनी है, 2 लेके चलनी है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, अब आप क्या कर रहे हो, आर की वैल्यू आपको पता लग गई, तो यानी कि आप P2+1 लिखेंगे, आपको कोफिशिएंट निकालना है ना, तो 9C2 करोगे, ए की पावर यानी एक्स की पावर 7 आ जाएगा वहां पर और 2y की पावर 2 बन जाएगा, तो यहां बन जाएगा आपका 9C2। 9C2 कितना होता है, 9 8 7 फैक्टोरियल, नीचे भी 7 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल है, और यहाँ पर 4y² हो जाएगा और एक्स की पावर 7 आ जाएगा, तो ये 7 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इसको कट कर लेगा, 9 4 36 * 4 x^7 y², तो इसको गुणा कर देंगे, 120 और 24 144 आ जाएगा, 144, ये आपका कोफिशियंट बन जाएगा, ये आपका कोफिशियंट बन जाएगा। देयर फॉर कोफिशियंट और ऑफ x^7 y² इज इक्वल टू 144, ठीक है। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, मतलब बेसिकली क्या है इसमें कि आपको आर की वैल्यू पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आपने आर की वैल्यू गलत चूज कर ली तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो बार बार मोटिवली मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि आपको आर की वैल्यू पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, या तो आपको ये दे रखा होगा यहाँ पर नंबर, जो पावर होगा तो उसका अगर पहला वाले से जज करना चाहते हो तो n-r से जज करो,
और अगर बाद वाले से जज करना चाहते हो, जो जितनी बाद वाले की यानी कि जितनी बी की पावर होगी उतनी आर की वैल्यू होती है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इसका जजमेंट भी कर सकते हो। जवाब है नेहा यादव का कि आर की वैल्यू 5 आएगी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पायल सही बात है, आर की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है ना? कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसका मतलब समझ रहे हो आप धीरे धीरे बात को, है? अब एक क्वेश्चन है, जैसे आप एनसीईआरटी पे दोबारा वापस आते हैं, ये समझाना था कि आर की वैल्यू कैसे जज करनी है, ये मैं सिखा चुका आपको। नेक्स्ट अब क्या करना है, देखो क्वेश्चन हमारा 3 है, एनसीईआरटी का ही है ये। तो इसमें पूछा है राइट द जनरल टर्म, ऐसा पूछ लिया कि राइट द जनरल टर्म, आप जनरल टर्म निकालो, ठीक है? ऐसे बोल दिया उसको। और किसमें निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 6 है, ठीक है? ऐसे बोल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 6। तो इसमें आपको ना ये नहीं बोला कि कोफिशियंट निकालो या ये टर्म निकालो या ऐसा निकालो, आपको बोला जनरल टर्म निकालो। तो जनरल टर्म में आर की वैल्यू आर ही रहेगी, यानी कि आपको सिर्फ टी आर प्लस वन निकालने को बोला है। और टी आर प्लस वन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही है भाई, एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर। तो यहाँ देख लो, ए की वैल्यू तो आपकी एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यू आपके पास माइनस वाई मान लो एक तरीके से, ठीक है? और आर एन की वैल्यू आपके पास 6 है, आर की वैल्यू आर ही रहेगी आपके पास। तो लगा दो फॉर्मूला भाई, टी आर प्लस वन ही लिखोगे आप इसको, और एन सी सिक्स सिक्स सी आर लिख दोगे, 6 सी आर एक्स स्क्वायर की पावर 6 माइनस आर और माइनस वाई की पावर आर, ये आपकी जनरल टर्म हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे हमें आर की वैल्यू नहीं पता, इसलिए इसको बोलते हैं जनरल टर्म। तो कभी पूछे कि जनरल टर्म निकालो भाई, तो जनरल टर्म हम ऐसे निकाल देंगे, ठीक है ना? में वो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें सेम आपसे दोबारा यही पूछा है कि भाई जनरल टर्म निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप अपने आप इसी तरीके से कर लोगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्किप कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो इसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे इसने क्या पूछ लिया कि भाई एक बात बताओ कि फाइंड द, इसमें इसमें टर्म पूछ ली कि फोर्थ टर्म निकालो, फोर्थ टर्म निकालो जिसमें इन एक्स माइनस टू वाई की जो पावर होगी वो होगी 12, इसमें फोर्थ टर्म निकालो। तो मैंने आपको पहले बताया था भाई, जब फोर्थ टर्म या फिफ्थ टर्म आपसे पूछे तो आर की वैल्यू एक कम लेके चलना, यानी कि इसमें आपको बोला टी फोर निकालो, तो टी फोर को आप ब्रेक करके लिखेंगे, कैसे, टी थ्री प्लस वन, तो वहां से आपको आर मिलेगा आपको, यानी कि यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 12 C3 करोगे, एक्स की पावर 9 करोगे, माइनस 2 y की पावर 3 कर दोगे, ये आपकी फोर्थ टर्म आ जाएगी, ये आपकी क्या आ जाएगी, फोर्थ टर्म। क्योंकि बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो आर की वैल्यू निकालने का होता है मेन मुद्दा वो होता है, और वो मैं आपको बता चुका हूँ। या तो वो पूछेगा कोफिशियंट, कोफिशियंट में या तो जो भी बी की पावर दी होगी वो आर बन जाएगा, या वो पूछेगा फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म अगर बोला या फिफ्थ टर्म बोला तो उसमें एक कम कर लो, वो आर की वैल्यू बन जाएगी, या वो बोलेगा जनरल टर्म, जनरल टर्म में आर की वैल्यू को आर ही रखना है। ये 3 कंसेप्ट है इसमें, ठीक है ना? ध्यान रहेगा भाई, ये कि एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट कर लो, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, यही क्वेश्चंस थे, इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है? नहीं तो सिलेबस जल्दी खिंच जाएगा आपका। नहीं है कि भाई आप 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करो, कल हम क्या करेंगे, मिसलिनियस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, क्योंकि ज्यादा सही नहीं रहेगा, एक फटाफट फटाफट होता है तो उसमें ज्यादा समझ में आता नहीं है, फिर धीरे धीरे करेंगे, कोई दिक्कत